अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उसामा खालिद। अच्छा, ये जो लेक्चर नंबर D1 है, इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर है। जब मैं D2 लिखूंगा, इसका मतलब है डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर। और मैं इंशाल्लाह जीरो से स्टार्ट करूंगा, यानी जिसको बिल्कुल भी आता पता नहीं है डेरिवेटिव्स के बारे में, वो भी है, वो ईज़िली बातें समझ सकता है। क्योंकि बिल्कुल मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा, जिसको थोड़ा बहुत आता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो मेरे पास इक्वल रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो कुछ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसको कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस डिस्क्रिप्शन पे एक मेरे फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, उस फेसबुक पेज पे आप जाएंगे, उसको लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा। और वहाँ पर मैंने ये जो लेक्चर जितना कुछ मैं दूंगा, उसकी पूरी की पूरी PDF वहाँ पर मौजूद हो। अब जो लोग इस पेज पर नए आए हैं, वो काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस से आप अपडेट रहें। इसके साथ साथ जब आप वीडियो एंड तक देख लें, तो उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए। बेसिकली डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है y = fx, सो व्हाट इज़ मीन बाय दिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी x के चेंज होने से हमारा y चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके आगे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + 2x, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्वेशन लिखी। अब मुझे, मैं बेसिकली वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये y फंक्शन है x का, किस तरीके से x के ऊपर डिपेंड कर रहा है y। तो देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिख दी कि y बराबर है fx के, और fx बेसिकली एक x डिपेंडेंट फंक्शन है जो मेरे पास है x² + 2x। अगर मैं x के बदले 1 पुट कर दूँ, तो देखें y के ऊपर क्या चेंज आता है। y = f(x) के बदले 1 पुट किया, तो 1 1² + 2 × 1, बेसिकली मेरे पास आंसर आ गया 3। यानी y की वैल्यू जब x 1 है, तो y मेरे पास 3 था। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, पुट x = 3, तो y = f(3) = 3² + 2 × 3, तो ये मेरे पास हो गया 9 + 6, और ये मेरे पास 15 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास x 1 था, तो मेरे पास y 3 आया, और जब मेरे पास x 3 हुआ, तो y मेरे पास 15 आया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू चेंज हो रही है। इट मीन्स y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड्स अपॉन x। अच्छा, इसके बाद अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ, तो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 3 ये लिखा हुआ है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि यहाँ पे सम हो रहा है। तो बेसिकली मैं इस प्लस को देख के पहचानता हूँ या एडिशन हो रही है। इस तरह अगर मेरे पास this - this लिखा हुआ है, तो मैं कैसे देख के पहचानूंगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। बेसिकली इस माइनस साइन को देख के पहचानूंगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। डेरिवेटिव को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि d/dx। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रहा हूँ एक y वेरिएबल है, उसका मैं डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेसिकली चेंज निकालना चाह रहा हूँ y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये x इस बात को डिनोट कर रहा है कि ऊपर जिसका भी मैं डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ, उसका जो चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर t यूज़ कर दूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू दी t। इसी तरह और भी पैरामीटर्स यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये है, dy/dx। इस तरह एक तरीका और है, अभी मैंने जो fx लिखा था थोड़ी देर पहले, fx के ऊपर अगर मैं डैश यूज़ कर दूँ, बेसिकली डैश डिनोट कर रहा है कि इसका डेरिवेटिव हो गया एक मरतबा। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, डेरिवेटिव का एक से ज़ायद मरतबा भी अप्लाई हो जाता है, वो बात की बात है कि एक से ज़ायद मरतबा कैसे अप्लाई होगा। लेकिन अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कहीं लिखा हुआ देखा, बहुत सारी जगहों पर आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे f" (x), इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है इसके ऊपर 2 मरतबा। इस तरह जितने आप डैश या प्राइम बढ़ाते जाएंगे, वन नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव अप्लाई होता जाएगा। टी यूज़ करता तो यहाँ पे टी आ जाता, और किसका निकालना है, वाई का निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका, इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि द डेरिवेटिव, द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव अप्लाई किस तरीके से होता है, सबसे मेन बात तो वही है। तो मेरे पास एक इक्वेशन है y = x², अभी जनरल बात करते हैं, बेसिक्स पर आते हैं। तो y = x² है, मुझे इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव अप्लाई करने का मतलब क्या है, dy/dx, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई होता है, एक तरफ अप्लाई नहीं होता, x square।
ये है। अब डेरिवेटिव क्या बोलता है, डेरिवेटिव का मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आप हर हर क्वेश्चन के ऊपर वो फॉर्मूला जो हमारा एल्जेब्रिक साइड के क्वेश्चन है उसके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव निकालो किसी भी एक्स की पावर एन का, जैसे कि यहाँ पर एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली ये जो पावर है ना ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक्स के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला है हमारा डेरिवेटिव्स का, अगर सिंपल कोई एल्जेब्रिक पैरामीटर है तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है जी। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करें आप इस जगह पे करो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो तो कैसे निकालूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स अपना ऐसे यूज़ होगा क्योंकि ये तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम वाई का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ये डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ये एक्स स्क्वायर का टू यहाँ आ गया एन जो कहलाता है और एक्स के ऊपर एक पावर कम होकर लिखी जाएगी, तो 2 माइनस 1 यानी इसका आंसर आएगा 2x। ये डेरिवेटिव मेरे पास एक्स स्क्वायर का आ गया, एक कांस्टेंट है वाई इक्वल्स टू 3 है, मैं इसका डेरिवेटिव निकालने को बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे y का चेंज बताएं जब x चेंज हो रहा हो, तो आप मुझे एक बार बताएं यहाँ पर कहीं आपको x दिख रहा है, एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर चेंज जीरो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर चेंज ना आ रहा हो, चेंज उसका जीरो। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उसका हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ऑलवेज जीरो आएगा, क्योंकि चेंज ही कोई नहीं हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ये कांस्टेंट बोल रहा हूँ इसे, तो कांस्टेंट का मतलब ये कि चेंज ही नहीं हो रहा है, दोनों बातें अपोजिट हो गई अगर आप कॉन्सेप्चुअली ये बात समझना चाहें, और अगर आप नहीं समझ पा रहे बात तो आप ऐसे समझ दें कि कोई भी कांस्टेंट होगा उसको ऑलवेज डेरिवेटिव जीरो हो। अच्छा तो अब एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चन है क्या, 3x4 + 2x³ + 90। मैं बोल रहा हूँ इसका डेरिवेटिव लो भाई विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करूँगा, सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, दोनों साइड अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव, 3x⁴ + 2x³ + 90, ठीक है। अच्छा अब एक बात यहाँ पे बहुत काम की है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, आप लोग शायद ये सोच रहे हो आप में से कोई जो बिल्कुल इनिशियली ये सीख रहा है कि 90 और 3 की हैसियत इस क्वेश्चन के अंदर एक जैसी है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखें 90 अकेला है, 90 सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ पर 3 एज अ कोफिशेंट ऑफ दिस यूज़ हो रहा है, एक्स की पावर 4 का कोफिशेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो याद रखें ये जो कांस्टेंट अकेला होगा वो जीरो होगा, लेकिन ये जो कोफिशेंट यूज़ हो रहा होगा वो बाहर निकल जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स की पावर 4 के ऊपर। इस तरह यहाँ पर 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी जीरो। सो जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा 3x³ + 2x² + 0, सो 12x³ + 6x² विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा यहाँ पर जिनको थोड़ी बहुत डेरिवेटिव्स की नॉलेज होगी वो सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर यू ओवर वी का फॉर्मूला अप्लाई करने जा, अच्छा ये यू ओवर वी क्या है, तो ये डेरिवेटिव्स के अंदर भी कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं, डेरिवेटिव के अंदर जैसे एक प्रोडक्ट फॉर्मूला कहलाता है और एक डिवीजन फॉर्मूला बेसिकली कहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला यानी यू इंटू वी और डिवीजन का फॉर्मूला कहलाता है यू ओवर वी। अच्छा यू ओवर वी का जो फॉर्मूला वो बेसिकली काफ़ी हार्ड है, तो हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम यू ओवर वी के फॉर्मूले से बच सकें, तो मैं यहाँ पर यू ओवर वी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, वो मैं बहुत मजबूरी में अप्लाई करूंगा जब मेरे पास उसके अलावा कोई और चांस नहीं होगा। यहाँ पर गौर से देखें कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले सिंप्लीफिकेशन करूंगा, उसके बाद देन डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, यहाँ पे एक्स क्यूब पार्शली तीनों से डिवाइड हो सकता है, वाई इक्वल्स टू, अभी मैं डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर रहा, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, x³ / 3x² / 9x³, ये दिस विल बी 1, दिस विल बी 3/x क्योंकि ये कट गया, यहाँ एक बच गया, +9/x³। अब मेरे पास कोई चांस नहीं है सिवाय डेरिवेटिव अप्लाई करने के, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, और जैसे ही मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो सही जो x अपॉन में है मैं इसको पढ़ लेके आ जाऊँगा, ये x माइनस 1 हो गया प्लस 9 × x - 3। अच्छा डी वाई ओवर डी एक्स, अब सबका अलग अलग दिखाएं डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस
थ्री डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन माइनस वन प्लस नाइन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस थ्री। अच्छा आप लोग ये माइनस एक्स की पावर माइनस वन को, माइनस को बेसिकली आप देख के घबरा रहे हैं, अगर इस माइनस को किस तरीके से डेरिवेट करेंगे तो बहुत आसान है। आप अभी दो मिनट के लिए ये एक्स की पावर माइनस थ्री ले रहा हूँ, आप दो मिनट के लिए इस माइनस को भूल जाओ और सोचें कि ये प्लस है, तो आप प्लस से कैसे डील करते, ये पावर लिखते उसके बाद एक पावर कम करके लिखते यानी माइनस वन कर देते। तो देखें मैंने बेसिकली इसी का डेरिवेट किया है और मैंने बात वही वाली अप्लाई करी कि देखें मैंने वही वैल्यू लिखी और एक पावर कम करके लिख दी। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर आप अप्लाई करें तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन प्लस नाइन माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस वन। जब ये अप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स माइनस टू माइनस 27 एक्स की पावर माइनस फोर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा तो अब हम बेसिकली प्रोडक्ट फार्मूला जिसका जिक्र मैंने किया था वो सीखने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला बहुत आसान है, u डॉट v इक्वल्स टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो बहुत आसान फॉर्मूला है कि फर्स्ट क्वांटिटी को सिंपली मल्टीप्लाई करा दें सेकंड क्वांटिटी के डेरिवेटिव से, प्लस सेकंड क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करा दें फर्स्ट क्वांटिटी के डेरिवेटिव से, या अपनी मर्जी से कुछ भी पहले कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। यानी मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, मैं बोल रहा हूँ मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ। तो इसका डेरिवेटिव, अच्छा आप यहाँ पर सोच रहे होंगे यार यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है फिर यू इंटू वी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली मल्टीप्लाई तो हो सकता है लेकिन हमें प्रोडक्ट फार्मूला सीखना तो है ना कहीं ना कहीं, तो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाके सिखाऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले अलजेब्रिक से ही सिखाना चाह रहा हूँ ताकि काम इजी तरीके से ज़्यादा सीख सकें। तो जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा प्रोडक्ट फार्मूला, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। अच्छा ये एक्स प्लस थ्री को ट्रीट करें यू के तौर पर और इसको वी के तौर पर और अप्लाई करें अब आप, तो सिंपली यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया। यू वी डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, और ये सिंपली अब ऐसे ही लिखा जाएगा x प्लस थ्री, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा वन माइनस जीरो यहाँ से आंसर आएगा, x का डेरिवेटिव वन इसका जीरो प्लस x माइनस टू और इसका डेरिवेटिव आएगा वन प्लस जीरो, यानी x प्लस थ्री प्लस x माइनस टू, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस थ्री वन जै एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू वन जै एक्स माइनस टू, जब ये सॉल्व होगा तो टू एक्स प्लस वन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप प्रोडक्ट फॉर्मूले के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन वाला जो फॉर्मूला था यू ओवर वी। तो वो फॉर्मूला क्या है, डी ओवर डी एक्स यू ओवर वी इक्वल्स टू वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूले की तरह नहीं है कि जिसको पहले लिखना चाहे लिख लें, नहीं यहाँ पे माइनस का साइन है, ऑर्डर मैटर करता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला कैसे याद करें, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, वी से स्टार्ट हो रहा है वी पे ही ख़त्म हो रहा है, डिवाइड में भी वी है, v से स्टार्ट होने का मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली, फिर डेरिवेटिव लिया जा रहा है और फिर v पे ख़त्म हो रहा है। एक क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन। अब देखिए मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन उठाया है जहाँ पे सिंपलीफाई करना पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मूले में तो अगर आप ऐसे भी अप्लाई करते हैं बहुत आसान है उसको अप्लाई करना, लेकिन देखें जब मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा कि यार यहाँ पर यू ओवर वी अप्लाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर मैं ये यू ओवर वी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो अप्लाई कैसे करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन, फॉर्मूला अप्लाई करें। अब आप मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप प्रोडक्ट फॉर्मूला क्योंकि देख चुके हैं, तो उसी तरह अप्लाई करूँगा, वी एक्स प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स प्लस वन डिवाइड बाय स्क्वायर।
एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा ये जो नीचे का नीचे जो होता है वी स्क्वायर, हम लोग 95% इसको छेड़ते ही नहीं है, इसको नहीं खोलते। शायद आप लोग सोच रहे हैं मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं खोला, तो इसको नहीं छेड़ते। मोस्टली ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कहीं ना कहीं से हो जाता है, वरना आंसर इसके ऊपर भी छोड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें गौर से, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x² प्लस 2x माइनस x² डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, x² प्लस 2x ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आंसर। ये मेरे पास dy ओवर dx आ गया। आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर के अंदर हम अलजब्रिक फंक्शंस के मुताबिक थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।